और साथ ही साथ बेल आइकॉन भी प्रेस करना मत भूलिए, ठीक है। आपका अपडेट शो होंगे, मैं जैसे वीडियो अपलोड कर दूंगा आपका अपडेट शो होंगे। और आप मेरे जो प्लेलिस्ट है और जो वीडियोज है वो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है आर्डुइनो के बारे में, एक्स फाइल के साथ अपलोड करने का, आप जरूर देखिए, ठीक है। आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं मेरी वीडियो कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आर्डुइनो के बारे में सब जो मैंने वीडियो तैयार की है, देखो यहाँ पे सीधा प्ले पे बटन क्लिक करके आप मेरे सब वीडियो देख सकते हैं जो कुछ मैंने किया आर्डुइनो के बारे में, सब उसमें है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। आप जो सामने देख रहे हैं वो प्रेशर गेज है, ठीक है। आप यहाँ से पाइप लगा के उसमें प्रेशर जैसे दे सकते हैं और जो उसका आउटपुट है वो हम डिजिटल में ले सकते हैं, ठीक है। एनालॉग या डिजिटल दोनों में आता है, तो हम लेंगे एनालॉग पे और ए डी जीरो मतलब एनालॉग पिन को देंगे। ये प्रेशर हम यूज करने वाले है आर्डुइनो के लिए, ठीक है, फॉर ओनली आर्डुइनो के लिए हम यूज करने वाले। इसके बहुत सारे पिन है, हम अब देते है कैसे कैसे मिलता है, ठीक है। ये सब इसका व्यू है, इसका नाम है MPX4250AP, आप यहाँ पे भी नाम दे सकते हो उसका नाम, ठीक है। इसका नाम है AP, इसमें दो मॉडल आते हैं, आप एक बार देख ले किस देखते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे पिन है जो आप देख रहे आप कटआउट, जो इसका कटआउट है ये मतलब पिन नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसकी पिन कॉन्फिगरेशन है और नाम ध्यान से देख ले MPX4250AP, ये इसका मॉडल नंबर है प्रेशर गेज सेंसर का, ठीक है। अब हम देखते हैं उसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन, जो अभी आप मैंने देखा प्रीवियस डायग्राम में जो यहाँ पे आता है कटआउट वहां से पिन वन नंबर शुरू होती है, ठीक है। तो वह 6 पिन का मॉडल है, तो पहली पिन आती है आउटपुट वोल्टेज, जो उसका आउटपुट हम उसका जो आउटपुट है वो लेंगे, उसको ग्राउंड और VCC, बस तीन ही पिन बहुत इम्पोर्टेंट है, बाकी के तीन कुछ काम के नहीं है, नॉट कनेक्टेड, जिसके आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। एक बार देख लो यहाँ पे कटआउट है, ठीक है, कट किया हुआ है और आप यहाँ पे भी दे सकते हो कटआउट, ठीक है। ये कटआउट मतलब पिन नंबर 1। तो इसमें दो टाइप आते हैं, एक आप यहाँ पे दे सकते डी और ए। इसमें एक फर्क इतना ही है कि इसकी इनिशियल 0 है और इसका इनिशियलाइज 20 है और डिफरेंशियल है और ये मॉडिफाइड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर है, ठीक है, और ये गेज सेंसर है डिफरेंशियल गेज। दो इसमें फर्क आते हैं, तो मैं आज जो यूज करने वाला हूँ वो 4500D ओ, ठीक है। अब हम यूज करने वाले वो ए पहला वाला है, और हम क्या स्कैन करने वाले एक बार देख लीजिए इसकी ब्लॉक डायग्राम में, ठीक है। ब्लॉक डायग्राम हम कह सकते हैं मेन पिन यही है 1 2 3 और जो यहाँ पे थिन फिल्म टेम्परेचर कंडेंशन एंड स्ट्रेन गेज वहां पे और इसका रेफरेंस शिफ्ट सर्किटरी, ठीक है। इसका मेन ब्लॉक डायग्राम है और जो 4 5 6 पिन है वो नॉन कनेक्टेड है, इसका सिंपल ब्लॉक डायग्राम है जो आप यहाँ पे दे सकते हो। और यहाँ पे मेन सेंसिंग एलिमेंट है जो उसमें दबाव पड़ने के बाद यहाँ पे प्रोसीजर होकर आउटपुट हमको मिल जाता है। और हम कैसे कनेक्ट करने वाले एक बार देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ऐसे कनेक्ट करने वाले जो प्रेशर सेंसर है उसको पाइप थ्रू डेमो के लिए इंजेक्शन या ट्यूब जो रहती है जो हमको मेजर करना है उसका प्रेशर वो हम यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कनेक्शन डायग्राम एक बार देख लीजिए, ये हार्डवेयर डायग्राम में आपको समझ में काम आएगा बाद में, ठीक है। जो सेंसर है जो उसका प्रेशर सेंसर का पिन आता है वहाँ पे हम इस वायर ट्यूब या नली के साथ हम इसको हवा प्रेशर जो भी कुछ हम देना चाहते हैं हवाई को हम दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा कनेक्शन करने का है प्रैक्टिकल में, ठीक है। और जो यहाँ पे आप दे सकते हो 1 2 3 पिन यूज करने जो हम आप अभी देखने वाले कैसे यूज करना है, ठीक है, उसका प्रोग्रामिंग और जो फाइल जो मैं दूंगा आपको वो भी। जो इसका प्रोग्रामिंग है वो मैंने प्रोटोस सॉफ्टवेयर पे किया है ब्लॉक्स थ्रू, तो इसका जो आता है आयोनो फाइल वो भी आपको मिल जाएगा और जो हेक्स फाइल है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। पर जो आपका जो आपको मिलेगा आयोनो फाइल वो आपको मतलब ठीक से रीड करना नहीं आएगा, जैसे
डिफॉल्ट होता है, वैसा नहीं, थोड़ा अलग से मॉडिफाई किया हुआ है। तो आप, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हिस्स फाइल ही डायरेक्ट अपलोड कर दीजिए। हिस्स फाइल के साथ अपलोड करने का है, आप आवर डब करके जरूर देख लीजिए। तो बहुत सिंपल पिन डायग्राम में, सॉरी ब्लॉक डायग्राम में आप देख सकते हो, यहाँ पे हम जो इनपुट देंगे वो सीधा सीधा फाइल से, हमने यहाँ पे आप देख सकते हो एडिट जीरो पर कनेक्ट किया है, जो हमारा सेंसर है उसकी उसकी पेंशन डायग्राम कैसा होगा, जो इसका पहले पिन है वो हम देंगे आर्डिनो में ए जीरो पे, ठीक है, और दूसरा ग्राउंड और तीसरा पिन है जो हम देंगे 5 वोल्ट पे, ठीक है, इतना ही है पेंशन डायग्राम में प्रेशर सेंसर का, ठीक है, एम PX450 इसका, हम इसका जो आउटपुट है हम देखेंगे सीरियल मॉनिटर पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले प्रेशर सेंस करेंगे, रीड करेंगे, बाद में उसको कन्वर्ट करेंगे बार में, और बार में कन्वर्ट करेंगे बार प्रेशर में कन्वर्ट करेंगे, वही प्रोसेस और PSI में भी कन्वर्ट करेंगे, और जो आउटपुट आएगा हम खाली प्रिंट कर देंगे, बस इतना सा प्रोग्राम है। और जिसमें डिले डिले जो है डिले वो 1 मिलीसेकंड का डिले, 1 सेकंड का, ठीक है, इतना सा प्रोग्राम में रीड करेंगे हम, जो आउटपुट आएगा, जो आउटपुट आएगा रीड करने के बाद, तो हम कवर करेंगे प्रेशर बार, बार प्रेशर और PSI में, बस इतना, और जो जो आउटपुट आएगा वो हम खाली प्रिंट कर देंगे सीरियल मॉनिटर पे, ठीक है, जो हम देखते पेट्रोल पंप पे वैसे सिस्टम में, खाली जो हम जो प्रेशर देंगे वो बहुत कम होगा, ठीक है। और हैपर कमोशन में दे सकते हो कनेक्शन डायग्राम, ये अपना आर्डिनो है, ठीक है, यहाँ पे बटन रिसेट और यहाँ पे इनबिल्ट LED और यहाँ पे जो प्रेशर सेंसर जो हमें लगाया हुआ है, ठीक है, और सिमुलेशन के लिए ऐसा सेंसर है, आर्टिकल में आपने देखा फोटो में कैसा है, ठीक है, हम यहाँ पे सेम मॉनिटर पे यूज देखेंगे। तो चलिए आप आउटपुट देखते, ठीक है, तो मैं रन करता हूँ प्रोजेक्ट, रन हो गया, देखो प्रेशर प्रेशर भी आ रहा है, बार भी आ रहा है और PSI भी आ रही है, तीन ही आ रही है, ठीक है, जो हमें चाहिए हो, जो हमें चाहिए हो हमें हाथ से उठा लेंगे। तो हम अब चेंज करके देखेंगे, ठीक है, अब मैं प्रेशर जो एयर पेज एयर गेज का प्रेशर है वो मैं अब बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ भी देख सकते हो 160 PSI किया तो वहाँ पे भी चेंज हो रहा है, ठीक है, PSI भी आ रहा है, बार भी आ रहा है और किलो PSI भी, किलो PA भी आ रहा है, ठीक है, आउटपुट आप देख सकते हो सीधा सीधा आ रहा है सेम मॉनिटर पे। तो ऐसा ही प्रोग्राम है, बहुत बहुत सिंपल है, आप सीधा यूज करके भी यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपल कनेक्शन डायग्राम में, खाली आपको 3 वायर लेने की और कनेक्ट कर देने की है, और आपने आर्डिनो ID है और इस पर भी फोटो से आप दे सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको और ज़्यादा बड़ा के भी देख सकता हूँ, देखो मैं मैक्स किया तो 150 गया, ठीक है, उसकी लिमिट है 150 की और मिनिमम लिमिट 0 की है, ठीक है, 0 की मिनिमम 0, और हम ये भी ले सकते हैं माइनस में, पार्टिकल में आता है, ठीक है, इसमें नहीं आता है, पार्टिकल में आता है। मैं जो आपको दूंगा फाइल वो होगी जिप फाइल में, उसमें आयरन फाइल भी होगा और हेक्स फाइल भी होगा, ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ आयरन फाइल कैसी है और हेक्स फाइल कैसी है, क्योंकि जो आयरन फाइल है वो फोटोज थ्रू आउटपुट आई हुई है तो कुछ अलग टाइप की आती है, नॉर्मल नहीं आती, आपको समझने के लिए वो सिंपल है पर एडिट करने के लिए और मल्टीफाई करने के लिए थोड़े हार्ड है। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप फोटो सॉफ्टवेयर से ही उसके मॉडिफाई कर लीजिए, ठीक है, और जो आपको नहीं करना है तो सीधा सीधा हेक्स फाइल अपलोड कर दीजिए, ठीक है, ओपन हो रहे, देख लीजिए यहाँ पे सीधा लिखा है डू नॉट एडिट, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर थ्रू आया हुआ प्रोग्राम में आप इसे एडिट में तो कहूंगा मत कीजिए, ठीक है, ये आप कम भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एरर आते हैं बहुत सारे,
मैं आपको दिखाता हूँ, आप सबसे पहले हेक्स फाइल ही अपलोड कर दीजिए, आपको समझ में क्या आसान होगी। तो यहाँ पे देखो जो इनका A0 पे कनेक्ट करने वाले हैं सेंसर ए, ठीक है मैच। तो यहाँ पे वेरिएबल्स आप एक बार देख लीजिए, आपको भी आसानी होगी। ये देखो हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया सीरियल मॉनिटर पे, क्या प्रेशर इज इक्वल टू आर्गुमेंट, आप देख लीजिए, ठीक है। देखो एरर आता है, कंपाइल नहीं होता, तो मैं रिकमेंड करूँगा हेक्स फाइल अपलोड कर दीजिए, ठीक है। देखो जो हमने यहाँ पे जो आउटपुट हमारा आउटपुट आया था बाद में और ये एस आई में जो डिले भी आता है यहाँ पे, मैंने समझने के लिए अच्छा है, पर आप क्या करें आप, ठीक है। तो आप हेक्स फाइल अपलोड कर दीजिए, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिए। उससे पहले आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए, मुझे कोई क्वेश्चन है आपके मन में, तो नहीं है तो लाइक ठोक दीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। और घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए। तब तक और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।